बारिश के बाद आया पंजाब किंग्स की टीम के गेंदबाजों का तूफान रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का दूसरा महामुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बारिश के बाद पंजाब किंग्स की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से यहाँ पर टीम ने इतिहास रचा है। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे अगर आप भी पंजाब किंग्स की टीम की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश है। तो दोस्तों, हम बात करें आज के मुकाबले की, तो आज के मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम ने मोहाली के मैदान पर टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए शानदार परफॉर्मेंस किया। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए यहां पर पंजाब किंग्स की टीम के बल्लेबाजों को आमंत्रित किया। मुकाबले की शुरुआत से ही हम बात करें तो यहां पर आज के मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने इस तरह से विकेट गंवाए। जहां पर हम पहले विकेट की बात करें तो पंजाब किंग्स की टीम का पहला विकेट गिरा था। दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पर टीम साउदी ने प्रभ सिमरन सिंह को विकेट कीपर गुरबाज के हाथों कैच कराया। इसके बाद टीम ने अपना दूसरा विकेट खोया था। 11वें ओवर की आखिरी बॉल पर उमेश यादव ने राजपक्षे को रिंकू सिंह के हाथों कैच कराया। तो वहीं पर पंजाब किंग्स की टीम का इसके बाद तीसरा विकेट गिरा था। 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर टीम साउदी ने जितेश शर्मा को यादव के हाथों कैच कराया। तो वहीं पर चौथा विकेट टीम ने खोया था। वरुण चक्रवर्ती ने 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर शिखर धवन को बोल्ड कर दिया। इसके बाद टीम का पांचवा विकेट गिरा था। यहां पर 18वें ओवर की पांचवी बॉल पर सिकंदर रज्जा को सुनील नेरिन ने नीतीश राणा के हाथों कैच कराया। इस तरह से यहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने आज के मुकाबले में अपने पांच विकेट खोए थे। हम बात करें पावर प्ले के बारे में तो यहां पर पहली पारी का पावर प्ले पंजाब के नाम रहा था। टीम के ओपनर बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने 12 बॉलों पर 191.67 की स्ट्राइक रेट से 23 रनों की शानदार पारी खेली। बाद में कप्तान धवन और भानुका राजपक्षे ने अच्छे हाथों से जमाया प्रभ सिमरन सिंह को। टीम ने साउथी के विकेट कीपर गुरबाज के हाथों कैच कराया। इससे पहले प्रभ सिमरन ने साउथी को 5 बॉलों पर 14 रन बनाए थे। हम बात करें यहां पर राजपक्षे और धवन के बीच 86 रनों की शानदार साझेदारी के बारे में तो यहां पर श्रीलंकाई बल्लेबाज भानुका राजपक्षे और कप्तान शिखर धवन ने दूसरे विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी करी। दोनों ने 55 बॉलों पर 86 रन जोड़े। इस साझेदारी ने टीम को पहले झटके से उबारा। पंजाब को 23 रन का पहला झटका लगा था तब प्रभ सिमरन सिंह यहां पर आउट हुए थे, लेकिन इसके बाद पंजाब किंग्स की टीम ने अपनी पारियों को संभाला और यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। हम बात करें यहां पर राजपक्षा का आज के मुकाबले में अर्धशतक देखने को मिला। पंजाब किंग्स की टीम ने आज के मुकाबले में 191 रन बनाए। मोहाली के मैदान पर टॉस हार कर पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 191 रनों का टारगेट यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सामने रखा। श्रीलंकाई बल्लेबाज भानुका राजपक्षे ने 32 गेंदों पर 50 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान शिखर धवन ने 29 बॉलों पर यहां पर 40 रन बनाए। दोनों के बीच 55 गेंदों पर 86 रनों की शानदार साझेदारी देखने को मिली। इससे पहले ओपनर प्रभ सिमरन सिंह ने 23 रन बनाते हुए टीम को तेज शुरुआत दिलाई। टीम साउथी को 2 विकेट मिले। उमेश यादव, सुनील नेरेन और वरुण चक्रवर्ती ने भी आज के मुकाबले में एक एक विकेट अपने नाम पर किया। 192 रन के टारगेट को चेस करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत कुछ खास देखने को नहीं मिली थी। टीम ने शुरुआती 6 ओवर में 46 रन बनाने में 3 विकेट गंवा दिए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की हम बात करें तो टीम का पहला विकेट गिरा था। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह ने मनदीप को सैम करन के हाथों कैच कराया। इसके बाद दूसरा विकेट गिरा था। दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने अनुकूल राय को सिकंदर रज्जा के हाथों कैच कराया। तो इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का तीसरा विकेट गिरा था। नाथन एलिस ने गुरबाज को 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद चौथा विकेट टीम ने खोया था। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर सिकंदर रज्जा ने नीतीश राणा को चहार के हाथों कैच कराया। इसके बाद 5वां विकेट
गिरा था। 11वें ओवर की पहली बॉल पर राहुल चहर ने रिंकू सिंह को सिकंदर रज्जा के हाथों कैच कराए, तो इसके बाद टीम का छठा विकेट गिरा था। 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर सैम करन ने रेसले को सिकंदर रज्जा के हाथों कैच कराया। पंजाब किंग्स की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग के इस 16वें संस्करण के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 192 रनों का टारगेट दिया। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 16वें ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना लिए हैं। शार्दुल ठाकुर, सुनील नरेन अभी भी नाबाद है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने 34 रन बनाकर यहां पर आउट हुए हैं। उन्होंने अर्शदीप सिंह ने चहर के हाथों कैच कराया, यह अर्शदीप सिंह का तीसरा विकेट है। उन्होंने अनुकूल राय को 4 रन बनने के बाद ही पेवेलियन की राह दिखा दी, तो वहीं पर मनदीप सिंह मात्र 2 रन बनाकर ही आउट हो गए। आंद्रे 35 रन बनाकर आउट हुए, उन्हें सैम करन ने सिकंदर रज्जा के हाथों कैच कराया। इससे पहले रिंकू सिंह 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो वहीं पर कप्तान नीतीश राणा मात्र 24 रन ही बना पाए थे। विकेट कीपर बल्लेबाज रहमान उल्ला गुरबाज भी आज के मुकाबले में मात्र 22 रनों का योगदान ही दे पाए। और इस तरह से यहाँ पर बारिश के बाद अब यहाँ पर मैच रुका हुआ है और यह मुकाबला फिलहाल रद्द होने की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम ने इस मुकाबले में टाइम आउट होने के बाद अब आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम की शानदार जीत रहेगी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सामने। तो दोस्तों क्या लगता है, अगर बारिश के कारण मैच रद्द नहीं होता तो क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मुकाबले को जीत सकती थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।